The police officials are distributing water to the residents of a village in Madhya Pradesh's drought-hit Tikamgarh district. Several officials have been deployed to fetch water for the villagers twice a day. ये कस्बा काफी बड़ा है, यहाँ पे पानी का बहुत आभाव, सूख सभी हैंडपंप एवं तालाब कुआ सूख चुके हैं। यहाँ पानी का थाने पे भी बड़ा अभाव था। श्रीमान प्रोसेसर महोदय का बजट हुआ, मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने पंप बोर कराने के लिए मेरे को निर्देश दिया, उस पर उनके आदेश से मैंने यहाँ बोर कराया। बोर में पर्याप्त मात्रा में पानी निकला और लोगों को पीने की बड़ी परेशानी जा रही थी, तो मैंने पुनः अपने कप्तान श्री निमेश अग्रवाल जी से आग्रह किया कि सर पब्लिक काफी परेशान है, पानी सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को पानी नहीं है, श्रीमान आज्ञा दे दें तो मैं लोगों को पानी सप्लाई कर दूं। ड्यूटी लगी है पुलिस वालों की, जो भी लड़ाई वगैरह ना हो, इसलिए हम बर्तन रखा देते हैं, सबको बाहर कर देते हैं और पानी हमारे पुलिस वाले भर देते हैं, फिर वो अपने बर्तन उठा ले जाते हैं। सरकारी बोर सूख चुके हैं सब, कहीं पानी है ही नहीं, और जो तो ऊपर वाले की मेहरबानी समझे और थानेदार की कृपा समझे, तो यहाँ बोर नल कराया, उसमें अच्छा पानी निकला और गांव वालों को पानी मिल रहा है, उससे पर्याप्त पानी मिल रहा है। इस साल तो पानी के लिए जो घर में भी बोर लगे वो सारे सूख गए, जो भी दो चार बोर गवर्नमेंट लगे थे वो भी बिल्कुल पूरी तरह सूख चुके हैं, और कम से कम एक 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 या दो किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। धान लेने आए हैं यहाँ पर, जो 350 फुट का बोर है उसमें अच्छा पानी है, और जो TI साहब है उनकी मदद से वो अच्छा पानी भर देते हैं। The situation has gone from bad to worse in drought-hit Tikamgarh in the last 3 years. The population of the district is more than 1 lakh and the decreasing water level in the river has added to the woes of the villagers. Correspondent Sandeep Singh from Tikamgarh for ANI.